देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर डरा रही है। कोरोना के नए केस रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां देश में सबसे ज्यादा नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। कोरोना के आगे बेबस महाराष्ट्र एक बार फिर से लॉकडाउन की राह पर लौटता दिख रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने नए नए सख्त नियम लागू करने के आदेश दिए हैं। नए नियमों को मिशन बिगिन अगेन के बजाय ब्रेक द चेन कहा गया है। महाराष्ट्र में सप्ताह के अंत में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। साथ ही सोमवार से 30 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने की भी घोषणा की गई है। रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। दिन के समय धारा 144 लागू रहेगी, जिसमें 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होने से रोक रहेगी। बयान के मुताबिक आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों, मेडिकल स्टोर एवं किराना दुकानों के अलावा सभी अन्य दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ये सभी नए प्रतिबंध सोमवार रात 8 बजे से प्रभावी होंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के दौरान इन सभी प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता, मंत्री प्रमुख राज ठाकरे, होटल उद्योगपति और फिल्म निर्माताओं से बात की है। बयान के मुताबिक बैंकिंग, शेयर बाजार, बीमा, दवा, टेलीकम्युनिकेशन और मेडिक्लेम क्षेत्र को छोड़कर इन प्रतिबंधों के तहत सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने की बात कही गई है। हालांकि स्थानीय आपदा प्रबंधन, बिजली विभाग, जलापूर्ति से जुड़े कार्यालयों को प्रतिबंधों से छूट रहेगी। वहीं सरकारी दफ्तरों में 50% उपस्थिति की अनुमति दी गई है। बयान में कहा गया है कि पार्क, बीच एवं सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। अगर स्थानीय प्रशासन को लगता है कि दिन के समय में इन स्थानों पर भीड़ एकत्रित हो रही है तो इन्हें बंद रखा जाएगा। बयान के मुताबिक थिएटर, सिनेमाघर, वीडियो पार्लर, मल्टीप्लेक्स, क्लब, स्विमिंग पूल, खेल परिसर आदि मनोरंजन स्थल बंद रहेंगे। वहीं धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे, हालांकि वहां धार्मिक अनुष्ठान जारी रहेंगे। इसी तरह बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें केवल सामान पैक करा कर ले जाने के लिए और पार्सल के लिए खुली रहेंगी।